नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जलवायु को, आगे पढ़ रहे हैं। राजस्थान की जो जलवायु है उसके बारे में अब तक हमने जो बड़ा बड़ा डाटा है उसके बारे में बात की है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, हमारे सामने दो तीन शब्द आते हैं, जैसे एक तो मौसम, एक ऋतु, एक जलवायु। अब इसमें मौसम जो होता है, मौसम से सीधा मतलब क्या निकलेगा? जैसे कुछ मिनट, घंटों, या आप यूं कह लीजिए 4-5 दिन, अगर इस दरमियान वातावरण के अंदर परिवर्तन हो तो उसको हम मौसम के नाम से जानेंगे। कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, या 4-5 दिन के अंदर जो वातावरण में परिवर्तन होता है उसे हम मौसम कहेंगे। अब वही बात आती है ऋतु के बारे में, तो ऋतु को हम कहेंगे कुछ महीनों में, कुछ महीनों के अंदर जो वातावरण में परिवर्तन होता है उसे हम ऋतु के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं जलवायु, तो लगभग 30 वर्षों तक जो वातावरण बना रहता है, जो एटमॉस्फेयर बना रहता है उसे हम जलवायु के नाम से जानते हैं, यानी दीर्घकालीन वातावरण की अवस्था। दीर्घकालीन वातावरण की जो अवस्था होती है उसे हम जलवायु के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी हुई, कि भाई जो राजस्थान है, इस राजस्थान में जो जलवायु है, इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व, उसमें जो पहला तत्व आता है वो आता है अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार पहला बिंदु, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। दूसरा आता है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। तीसरा बिंदु आता है समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। याद रहे अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी का मतलब ये हुआ कि जो नज़दीकी महासागर है वो है हिंद महासागर। ध्यान रखिए हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है और उसकी आकृति M आकार की आकृति है, और ये एकमात्र देश है भारत, एकमात्र देश है भारत जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम रखा गया है। तो राजस्थान के सबसे निकट जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। तो हमने तीन तत्वों के बारे में बात की है। चौथा तत्व रहेगा
अरावली पर्वतमाला की स्थिति, अरावली पर्वत माला की स्थिति, अरावली पर्वतमाला की स्थिति। इसके बाद में जो पांचवा कारण रहेगा, पांचवा कारण, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं साफ कर देता हूं। चारों पॉइंट को नोट कर लीजिए। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, और समुद्र नजदीकी कौन सा रहेगा, हिंद महासागर, और फिर अरावली पर्वतमाला की स्थिति। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर पांच, विराट तल की स्थिति। जो राजस्थान का विराट तल है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, उस स्थिति के बारे में भी बात करनी रहेगी। विराट तल की स्थिति, ये पांच जो बिंदु है मुख्य बिंदु माने जाते हैं। उसके बाद में एक तत्व आता है वनस्पति तत्व, और एक तत्व आता है मृदा की संरचना। ये भी लिख देता हूं मैं, वनस्पति तत्व और एक आता है मृदा की संरचना, मृदा की संरचना। अब देखिए, हमने सबसे पहले जो बात की है वो बात की है राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, कि राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कैसा है। तो आपने देखा होगा, हमने बात की है जैसे यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये विस्तार तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। नोट कर लीजिए, 30 12 तक अक्षांशीय विस्तार, अब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आप समझ गए होंगे कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है। अब आप देखिए, यहां पर कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर वाला हिस्सा, यहां तक ये पूरा का पूरा उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में आता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और इस 23.5 डिग्री से नीचे का ये जो भाग है ये उष्ण कटिबंध में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान दो कटिबंधों में अवस्थित है, उष्ण कटिबंध में भी अवस्थित है
और उपोषण कटिबंध में भी अवस्थित है। यानी अगर प्रश्न यू बने कि राजस्थान किन कटिबंधों में अवस्थित है, तो आपको ध्यान रखना है उष्ण व उपोषण कटिबंधों में राजस्थान की अवस्थिति मानी जाएगी। लेकिन अगर प्रश्न यू बने कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो राजस्थान की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु मानी जाएगी। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। अब सोचेंगे कि भाई राजस्थान तो बड़ा जो क्षेत्र है राजस्थान का वो तो उपोष्ण कटिबंध में आता है, तो फिर जलवायु उष्ण कटिबंधीय कैसी क्यों हो गई? तो उसका एक कारण है और बड़ा कारण ये है कि राजस्थान का लगभग 61.11% भूभाग मरुस्थल है। मरुस्थल यानी लगभग कितने जिले? 12 जिले। 12 जिलों में मरुस्थल है और 12 जिलों में मरुस्थल है तो ये एक बड़ा भाग है। और इस बड़े भाग के अंदर आगे हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर आया है जिसमें हमने ये कहा वनस्पति तत्व। तो इस बड़े भाग के अंदर, मरुस्थलीय भाग के अंदर केवल और केवल बालू रेत है, बलुई रेत है, और बलुई रेत के अंदर वनस्पति तत्व बहुत कम है। दूसरी बात, यहां पर वर्षा 0 से 50 सेंटीमीटर तक ही होती है, तक ही, इससे ज्यादा नहीं है। ये जो पूरा जो सेक्टर अपन मानते हैं, जो अरावली से पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा जो है उसका ये देखा गया है कि 0 से 50 के बीच में ही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बारिश भी कम होती है और कम बारिश होने के कारण यह क्षेत्र शुष्क हो गया। और चूंकि यहाँ पर रेत है और रेत जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसी कारण यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आता है। ध्यान रखिएगा, यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आता है। तो राजस्थान का एक बड़ा भूभाग जो है वो वनस्पति लगभग न के बराबर वाला भाग है, इसलिए यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, कई बार मानसूनी शब्द भी मिल जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो ज्यादातर मानसूनी वर्षा ही मानी जाती है, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु माना गया है। अब आप देखिए कि राजस्थान के नक्शे के अंदर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहां पर इस राजस्थान के मैप के अंदर आप देखेंगे कि कर्क रेखा यहां से निकलती है। अब केवल ये वाला हिस्सा जो इस 23.5 डिग्री से ये उत्तरी अक्षांश है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अक्षांश से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा केवल ये आता है उष्ण कटिबंध में, ध्यान रखिएगा, बाकी पूरा का पूरा जो भाग है राजस्थान का वो उपोषण कटिबंध में आता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्क रेखा से नीचे का भाग ही उष्ण कटिबंध है, बाकी पूरा का पूरा राजस्थान उपोषण कटिबंध में आता है। अब ध्यान रखिएगा, सूर्य सीधा यहां चमकता है कर्क रेखा पर, ये मैंने पिछले पार्ट में बता रखा है, सूर्य सीधा 21 जून को
करक रेखा पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में लंबवत, सीधा या समकोण पर चमकता है। अब हम बात करें कि सूर्य की सबसे तिरछी किरण कहाँ पड़ती है, तो यहाँ श्री गंगानगर के अंदर सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। ध्यान रखिएगा, सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर के अंदर सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है उसके कारण भी राजस्थान की जलवायु बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। जबकि राजस्थान का बड़ा भूभाग उपोषण या शीतोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन यहाँ की जलवायु उपोषण कटिबंधीय नहीं है। यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। कारण क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक बड़ा भूभाग, ये वाला 61.11% भूभाग में केवल और केवल मरुस्थल है। मरुस्थल के अंदर केवल बालू रेत है। इसी कारण से ये बड़ा भूभाग जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है गर्मियों के अंदर, और जल्दी गर्म होने के कारण ही यहाँ का टेम्परेचर उष्ण कटिबंधीय हो जाता है। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाला हमारा पहला तत्व था। हमने दूसरा तत्व लिखा है समुद्र तल से या समुद्र तट से दूरी। दूसरे तत्व की मैं बात कर रहा हूं, समुद्र तट से दूरी। अब आप देखिए, ये राजस्थान है और राजस्थान के सबसे नजदीक अगर मैं बात करूं, यहां कच्छ की खाड़ी, उसके बाद खंबात की खाड़ी और उसके बाद मैं बात करूं अरब सागर। ध्यान रखिएगा, तो कच्छ की खाड़ी राजस्थान से 225 किलोमीटर दूर है, खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर दूर है, 275 किलोमीटर दूर है, और अरब सागर लगभग 400 किलोमीटर दूर है। ध्यान रखिएगा, अरब सागर लगभग 400 किलोमीटर दूर है। और अगर मैं बात करूं कांडला बंदरगाह की, कांडला, तो ये लगभग 450 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। राजस्थान के सबसे निकट जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जो लगभग 450 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये तो बात करी हमने अरब सागर से। अब यहां मैं बात करूं इधर बंगाल की खाड़ी, ये लगभग राजस्थान से 2900 किलोमीटर दूर पड़ती है। बंगाल की खाड़ी राजस्थान से लगभग 2900 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि राजस्थान की जो जलवायु है इस कारण भी उष्ण उपोषण कटिबंधीय जलवायु बन जाती है। उष्ण उपोषण जलवायु बन जाती है क्योंकि राजस्थान के बिल्कुल निकट कोई भी सागर महासागर नहीं है। जो खाड़ी है कच्छ की वो निकट से निकट माने तो भी 225 किलोमीटर दूर है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है, हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाला बड़ा फैक्टर बन जाता है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा था कि यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति। तो देखिए, ये है अरावली पर्वतमाला, ये पूरी की पूरी अरावली पर्वतमाला है, और अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 13 जिले हैं और इसके पूर्व में 20 जिले हैं। अरावली पर्वतमाला स्वयं लगभग 17 जिलों को टच करती है।
अरावली पर्वतमाला लगभग राजस्थान के 17 जिलों को टच करती है, 17 जिलों को छूती है या उनमें अवस्थित है। अब आप देखिए जो अरावली पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला यहाँ लिख देता हूँ मैं दक्षिण, यहाँ लिख देता हूँ मैं पश्चिम। अरब सागर से जो मानसून आता है वो इस अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल पास होकर के निकल जाता है, बिल्कुल पास होकर के निकल जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है। कैसी है? समानांतर, समानांतर है। पहली बात, दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर मैं यूँ कहूँ अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून के, अरब सागरीय मानसून के समानांतर हैं। इसलिए अरावली पर्वतमाला भी राजस्थान के एक बहुत बड़े भूभाग में वर्षा नहीं करवा पाती। दूसरी बात, जो बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसून आएगा, मानसून आएगा अगर हम बात करें तो ये मानसून केवल और केवल राजस्थान के, राजस्थान के इन जिलों में यानी पूर्वी जिलों में, पूर्वी जिलों में खासकर राजस्थान के दक्षिण और पूरब में, राजस्थान के दक्षिण पूरब में ज़्यादा बारिश करता है। इसीलिए ये जिला जिसका नाम है झालावाड़, झालावाड़ ध्यान रखिए, झालावाड़ सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है। यहाँ 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है झालावाड़। यहाँ पर चूँकि हम बात करते हैं सिरोही की, सिरोही के अंदर माउंट आबू, सिरोही के अंदर माउंट आबू जो सबसे ऊंचा है, यहाँ पर गुरु शिखर है और गुरु शिखर के आसपास 32 किलोमीटर के क्षेत्र में ये गुरु शिखर की ऊंचाई के कारण सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसलिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यहाँ 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है माउंट आबू में, माउंट आबू में। इसीलिए इसे, इसीलिए इसे राजस्थान का, इसीलिए इसे राजस्थान का बरखोन यास्क भी कहा जाता है, राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। शिमला और बरखोन यास्क इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो हिल स्टेशन है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, और दूसरा यहाँ पर बारिश ज़्यादा होने के कारण ठंडक भी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान होने के कारण इसे राजस्थान का बरखोन यास्क भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू को माना गया है, माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान माना गया है, इसीलिए राजस्थान का इसको बरखोन यास्क भी कहा जाता है। तो अरावली पर्वतमाला, आप देखेंगे कि अरावली पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली वर्षा को यहाँ राजस्थान के पूर्व में ही ज़्यादा करवाती है। बादल ऊपर से फ्लो होकर के आगे निकल जाते हैं, ये वाला पूरा का पूरा सेक्टर, पूरा का पूरा सेक्टर वृष्टि छाया में पड़ जाता है, वृष्टि छाया में पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर वर्षा फिर से नहीं होती तो ये बाग सूखा का सूखा ही रह जाता है। इसलिए अरावली पर्वतमाला भी राजस्थान में वर्षा कम होने की एक बड़ी जिम्मेदार मानी जाती है क्योंकि अरब सागरीय शाखा तो इसके समानांतर चली जाती है और बंगाल की खाड़ी शाखा से अरावली के इधर जो दक्षिण और पूरब के जो जिले हैं यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, आगे वर्षा नहीं होती क्योंकि आगे का क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में चला जाता है। इसलिए अरावली पर्वतमाला की जो अवस्थिति है वो भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक तत्व माना जाता है, अकाल का एक कारण इसको भी मान लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि द्रातलीय स्थिति क्या है। हमने एक पॉइंट लिखा था द्रातलीय स्थिति, तीसरा पॉइंट द्रातलीय स्थिति। तो आप देखिए द्रातलीय स्थिति की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जो है औसत, राजस्थान की औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, औसत ऊंचाई कि राजस्थान समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी रखता है, लगभग 370 मीटर,
समुद्र तल से राजस्थान की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 370 मिनट मानी गई है। ध्यान रखिएगा 370 मिनट मानी गई मीटर मानी गई है 370 मिनट मीटर जो है वो राजस्थान की औसत ऊंचाई मानी गई है समुद्र तल से। इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व, कौन कौन से तत्व राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं, अभी हमने बात करी कि औसत ऊंचाई, औसत जो ऊंचाई है वो है 370 मीटर। अब देखिए आप कि जो बात करें माउंट आबू, माउंट आबू औसतन 1200 मीटर ऊंचा है, औसत बता रहा हूँ, माउंट आबू औसत रूप से 1200 मीटर ऊंचा है, 1200 मीटर ऊंचा है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ रेगिस्तान की, रेगिस्तान की, तो ये लगभग 370 मीटर के आसपास ऊंचा है। रेगिस्तान जो जैसलमेर जिला वगैरह है उसकी मैं बात कर रहा हूँ खासकर, है ना, जैसलमेर, ये समुद्र तल से लगभग 370 मीटर की ऊंचाई रखता है। अब आप देखिए कि धरातलीय ऊंचाई के आसपास अगर मैं बात करूं, धरातलीय ऊंचाई के आसपास में बात करूं तो इन दोनों में कोई समानता नहीं है, तो इसीलिए औसत राजस्थान जो है वो 370 मीटर ऊंचा माना जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं जैसे ऊंचाई के कारण, ऊंचाई के कारण ही जलवायु के अंदर अंतर आता है। जैसे आप देखिए माउंट आबू पड़ता है सिरोही में और एक जिला है झालावाड़, झालावाड़ जो लगभग समुद्र तल से 420 मीटर ऊंचा है, 420 मीटर ऊंचा है, और माउंट आबू सिरोही लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। अब ध्यान रखिएगा ये दोनों समान अक्षांश में हैं, ये दोनों स्थान समान अक्षांश में हैं, लेकिन दोनों के तापमान में अंतर है। अक्षांश समान है लेकिन माउंट आबू बहुत ही ठंडा है, झालावाड़ से बहुत ज्यादा ठंडा है माउंट आबू, हिल स्टेशन है माउंट आबू। तो याद रखिएगा दोनों समान अक्षांश में हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई ज्यादा होने के कारण ही यहाँ पर मौसम ज्यादा ठंडा रहता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी समुद्र तल से, वैसे वैसे वायु दाब के अंदर, याद रखिएगा, टेम्परेचर में कमी आ जाती है। जैसे आप देखिए कि जैसे समुद्र तल से, समुद्र तल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, समुद्र तल से 165 मीटर, 165 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, घट जाता है या कम होता है। ध्यान रखिएगा जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तापमान कम होता जाएगा, ध्यान रखिएगा जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा राजस्थान के अन्य जिलों से, अन्य स्थानों से। इसीलिए माउंट आबू का तापमान कम रहता है क्योंकि माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, बहुत ही ऊंचाई पर है। इसीलिए जब राजस्थान के अंदर लगभग टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस रहता है तो उस समय लगभग 8 से 9 डिग्री सेल्सियस वहाँ माउंट आबू का तापमान कम रहता है। कारण यही है कि वो ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या आती है, कमी आती है। इस बात को भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ध्यान रखिए 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है या कम हो जाता है। अगला पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई वाला, जो मैंने आपको बता दिया कि ये समुद्र तल से ऊंचाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है। फिर हमने एक बात करी थी वनस्पति तत्व,
वनस्पति तत्व। अब आप देखिए वनस्पति, वनस्पति तत्व राजस्थान में सदाबहार वनस्पति की अगर मैं बात करूं तो वो केवल और केवल कहां पर अवस्थित है, माउंट आबू के 32 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र में, यहीं पर केवल सदाबहार वनस्पति है। कहां पर? माउंट आबू सिरोही। सदाबहार वनस्पति की अगर मैं बात करूं तो वो केवल और केवल यहां पर पाई जाती है। बाकी राजस्थान में आप देखिएगा लगभग 61.11% जो भूभाग है, 61.11% जो भूभाग है यहां पर कंटीली जाड़ी पाई जाती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? उत्तर पश्चिम मरुस्थल की बात कर रहा हूं। ये भूभाग यहां पर कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। जो भी वनस्पति होगी वो बिल्कुल कंटीली होगी, और अगर ऐसे कोई पेड़ हैं तो उनकी पत्तियां बहुत छोटी होगी। जैसे कौन कौन से इधर पेड़ पाए जाते हैं तो आप देखिएगा खेजड़ी, रोहिड़ा, रोहिड़ा, केर, बेर, बबूल, बबूल के बाद में लगभग ज्यादातर ये पेड़ एक जैसे जाड़, जाड़ के पेड़ भी इधर पाए जाते हैं। बड़ी वनस्पति यही है। यूं तो अब कहीं कहीं पर नीम भी है लेकिन वो ज्यादा नहीं है। ज्यादातर वनस्पति की अगर मैं बात करूं तो वो ये हैं, खेजड़ी, रोहिड़ा, केर, बेर, बबूल, जाड़, है ना, एक कैक्टस, कैक्टस, नागफनी, नागफनी भी पाई जाती है यहाँ मरुस्थल के अंदर, है ना, फोग। तो ये यहां पर हैं। और फिर इस मरुस्थली क्षेत्र के अंदर यहां पर कुछ घासें पाई जाती हैं, जो स्टेपीज टाइप की घासें हैं, जैसे सेवण, धामण, करड़, मोथिया, मूंज, तो ये कुछ इस प्रकार की घासें हैं, बुरट, हीप, ये कुछ इस प्रकार की घासें पाई जाती हैं, जो कोई ज्यादा बड़े लेवल पर इसको अपन नहीं कह सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी वनस्पति है। आप देखिए सेवण घास, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है पहले, दामण घास, करड़ घास, मोतिया घास, मूंज घास, भुरट, खीप। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के एक बड़े भूभाग में, राजस्थान के एक बड़े भूभाग के अंदर बहुत ज्यादातर वनस्पति न के बराबर है, न के बराबर वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर जलवायु उष्ण पाई जाती है। अब आप देखेंगे कि जैसे राजस्थान के अगर मैं बात करूं, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में यहाँ पर वनस्पति बढ़िया पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में सघन वनस्पति पाई जाती है, सघन वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पर उपोषण, यहाँ पर उपोषण कटिबंध की जलवायु जो है वो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सघन वनस्पति है। लेकिन बाकी बड़े भूभाग के अंदर, बड़े भूभाग के अंदर इस प्रकार के पेड़ हैं, इस प्रकार की घासें हैं, इस कारण से उष्ण कटिबंधीय जलवायु बन जाती है, क्योंकि पेड़ों के बिना बारिश नहीं होती है। फिर अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मृदा की संरचना। अलग अलग प्रकार की मृदा है राजस्थान के अंदर, जो मिट्टियां हैं वो अलग अलग प्रकार की है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे राजस्थान का ये वाला सेक्टर 61.11% भूभाग
यहाँ पर कैसी मिट्टी है, बालू या बलुई मिट्टी है, बालू या बलुई मिट्टी है, ध्यान रखिएगा बालू या बलुई मिट्टी है। और यहाँ पर ये पूरब है, ये दक्षिण है, यहाँ पर काली या मध्यम काली मिट्टी है। अब देखिए इस मिट्टी को कम पानी की ज़रूरत है, कम पानी में भी अच्छी पैदावार हो जाती है, बढ़िया मिट्टी है। इस मिट्टी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और यहाँ तो बारिश होती भी नहीं है, न के बराबर बारिश है। तो आप समझिए इतने बड़े भूभाग पर बारिश ही नहीं होती है तो पैदावार भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। हालांकि अब तो इंदिरा गांधी नहर के आने से यहाँ पर पैदावार बढ़ने लगी है, लेकिन फिर भी 61.41 भूभाग एक बड़ा भूभाग होता है जो बालू या रेतीली मिट्टी से अटा पड़ा है। अब आप देखिए इसके कारण जलवायु कैसे प्रभावित होती है कि यहाँ पर रेत है और रेत जल्दी गर्म होती है और रेत जल्दी ठंडी होती है। ध्यान रखिएगा जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, इसीलिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर ध्यान रखिए किस जिले का है, जैसलमेर का है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस जिले का है, जैसलमेर जिले का। सर्वाधिक दैनिक तापांतर की मैं बात कर रहा हूँ, सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है वो यहाँ का है, ताप में अंतर की मैं बात कर रहा हूँ वो जैसलमेर का है। अब आप ध्यान रखिएगा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक जिला है चूरू, चूरू जिले में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर है, चूरू जिले में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। ये भी रेगिस्तानी जिला है, ध्यान रखिएगा ये भी रेगिस्तानी जिला है चूरू जिला, चूरू जिले में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है, उसका कारण मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि उस चूरू के नीचे चूने की एक पट्टिका है इस कारण से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है सिरोही जिला, इसके अंदर माउंट आबू, सिरोही जिले में माउंट आबू, ध्यान रखिएगा माउंट आबू की बात कर रहा हूँ, सिरोही जिला माउंट आबू। यहाँ पर न्यूनतम दैनिक तापांतर, न्यूनतम दैनिक तापांतर यहाँ पाया जाता है। ध्यान रखिएगा न्यूनतम दैनिक तापांतर माउंट आबू सिरोही में पाया जाता है। और यहाँ पर नीचे एक जिला है जिसका नाम है डूंगरपुर में न्यूनतम वार्षिक तापांतर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा न्यूनतम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर के अंदर पाया जाता है। न्यूनतम दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, माउंट आबू में पाया जाता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में रेत के कारण। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, चूरू के अंदर चूने की पट्टिका के कारण। अब माउंट आबू पर न्यूनतम दैनिक तापांतर क्यों पाया जाता है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है और दूसरा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पत्थर है और पत्थर धीरे धीरे गर्म होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं। यहाँ पर डूंगरपुर जिले में न्यूनतम वार्षिक तापांतर क्यों है, क्योंकि पूरे ही पत्थर हैं और पत्थर वाकई में धीरे धीरे गर्म होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं, इस कारण से यहाँ पर भी जलवायु प्रभावित हो जाती है। तो ये तमाम तत्व हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आपने इस पार्ट के अंदर राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।